बड़ी खबर जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल के बाहरी इलाकों में घुस चुके हैं। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने 3 अफगान अधिकारियों से बातचीत के बाद यह दावा किया है। एपी के मुताबिक तालिबान के लड़ाके काबुल के कालान, काराबाग और पाघमान जिले जो कि बाहरी इलाके हैं काबुल के, वहां पर घुसपैठ कर चुके हैं। उधर तालिबान ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि काबुल में लड़ाई ना करें। तालिबान शांति से काबुल पर कब्जा करना चाहता है, तो बड़ा सवाल यही है कि अब लाशों के ढेर पर चलने वाले तालिबान शांति वाली चाल आखिर क्यों चल रहा है? क्योंकि काबुल तक का जो ये सफर तय किया है तालिबान ने, वो तबाही मचाते हुए ही तय किया है। लोगों में खौफ बढ़ाकर, लोगों की परेशानी बढ़ाकर और हर तरफ मारकाट मचाकर अब काबुल में एंट्री, बाहरी इलाकों में घुस चुका है तालिबान। जिस तरीके की तस्वीरें, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, वो यही बता रही है कि अब काबुल का जो डर था, काबुल को लेकर जो डर था, और ये डर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का डर था, क्योंकि तालिबान अगर अपने पैर सिर्फ अफगानिस्तान में पसारता है तो भी इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। किस तरह से आतंक का ये जो प्रसार है वो अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला। और ये देखिए, मैप के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि कब कब तालिबान ने कौन कौन से शहर पर कब्जा किया, कौन कौन से प्रांत पर कब्जा किया और कैसे ये दूरी कम होती चली गई काबुल की तरफ। और अब वो दूरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि बाहरी इलाके जो है काबुल के, वहां पर भी तालिबान अपना कब्जा कर चुका है। खबरें ये आ रही थी कि वहां पर अब तबाही के निशान भी दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि वहां पर लड़ाई ना करें, किसी तरह की फायरिंग ना करें, क्योंकि कोशिश है कि शांति पूर्वक कब्जा किया जा सके। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये किस तरह की चाल है, ये कैसा षड्यंत्र तालिबान का कि पहले खून खराबा मचाने वाला तालिबान अब शांति की बात करता है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ अब बाकी जो देश हैं, दूसरे देश, उनकी कोशिशें अपने लोगों को निकालने की, सुरक्षित महफूज करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये आप चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका का है वो देख रहे हैं। आज सुबह की तस्वीरें हैं जब चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा, और अब कोशिश अमेरिका की है कि जो वहां पर अमेरिकन्स हैं उन्हें सही सलामत निकाल कर वापस अपने देश ले जाया जा सके। और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं। आप अनिल त्रिगुनायत सर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो खबर वहां से आ रही है तालिबान का निर्देश, वो वाकई चौंकाने वाला, हैरान करने वाला है। जो मारकाट के लिए माहिर है तालिबान, जिसका मकसद ही है कि किसी भी तरीके से बस अशांति फैलाई जाए, वो अब शांति की बात कर रहा है कि हम चाहते हैं शांति से कब्जा कर ले। मतलब ये बात कैसे समझे? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। जैसे आगा साहब ने भी कहा था कि तालिबान एक तरफ तो देखिए दोहा एग्रीमेंट के बाद से निगोशिएशन करता चला है। अभी पीछे लास्ट वीक की मीटिंग हुई है दोहा में, तो सब में इसी तरह की बात हुई है कि वो पावर को लेना चाहता है। और सारी दुनिया ने ये बता दिया है कि अगर ये बाई फोर्स पावर ऑक्यूपाई करेंगे तो उससे उनको आगे जो इंटरनेशनल सपोर्ट रिकॉग्निशन है वो सब नहीं मिल पाएगी। और इसके लिए ही वो ये कर रहे हैं, क्योंकि वायलेंस होगा, लोग मरेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सबको पता है कि नज़ारा क्या होगा, ये तो सब दुनिया जानती है कि, क्योंकि उनका जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी। लेकिन इस वक्त, और दूसरी चीज़ है कि अभी भी वहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स हैं, एम्बेसीज थोड़ी बहुत हैं, जो भी जितने भी इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे, तो वो ये नहीं चाहते कि वो इस तरह की चीज़ हो कि सारी दुनिया उनकी खिलाफत में आ जाए। बेसिक आइडिया तालिबान का ये है कि जब वो सरकार को ऑक्यूपाई करें तो चीन, जैसे चीन ने सपोर्ट करने की बात कही है, इकोनॉमिक इंगेजमेंट की बात कही है, और दूसरे मुल्कों से भी, अमेरिका ने भी कहा है कि लगभग $4 बिलियन चलता रहेगा अगर तालिबान बिहेव करेगा तो, या जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, नॉट तालिबान, इट विल बी हैज टू बी ए गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट जो भी। तो अभी मुझे ये लग रहा है, दूसरी चीज़ यह है कि इनकी कोई साजिश क्या, मतलब एक तरह की बात आपस में हो गई है अफगान गवर्नमेंट के साथ कि वो छोड़ जाएंगे या जो, और ये आकर के उसको टेक ओवर कर लेंगे तो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये रियली होना होता तो शायद है कि जब ये काबुल के बाहर बैठे थे तभी हो जाता, इससे पहले कि यहाँ आने की और इस तरह की नॉमिनी जो है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे लीडर छोड़ के चले गए हैं, वहाँ के फौज में लड़ने का मादा नहीं है, ना उनको दम है, और जबकि ज़्यादातर लोग करप्शन वगैरह की वजह से, काफ़ी लोगों ने ये भी बताया कि अफगान फोर्सेज ये सोचती हैं कि इससे बेहतर है कि इनसे लड़ने के बजाय तालिबान के साथ ही रहो। ठीक है प्रणय, जैसा कि कमर आगा सर ने भी यही कहा और अनिल सर भी यही कह रहे हैं, तो क्या मतलब अब तालिबान ये इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है, तो क्या सरेंडर का इंतजार अशरफ गनी सरकार के?
निश्चित रूप से ये सरेंडर का इंतजार किया जा सकता है। एक तरीके से घेराबंदी हो चुकी है काबुल की, ये एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन इसका निकल सकता है कि वहाँ पे जिन लोगों को यूएस एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, जिन लोगों को निकालना चाहता है, वो वहाँ से निकल जाएंगे और सत्ता हस्तांतरण का एक फॉर्मूला सा तय हो जाए, ताकि जैसा अनिल सर भी कह रहे हैं, जैसा कमर आका साहब ने भी कहा कि बहुत वाइड स्प्रेड ब्लडशेड ना हो। लेकिन जो आशंकाएं हैं, जिन चीज़ों का डर है, वो तो बरकरार है। ज़मीन पर जिन लोगों से बात हो रही है उनके अंदर भय का माहौल है, ये बात ज़रूर है कि दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावे के तौर पर ये होगा कि वहाँ पर एक शांतिपूर्ण समाधान हुआ, सत्ता हस्तांतरण हुआ। लेकिन तालिबान के आने के बाद तालिबान की नीतियाँ क्या होंगी, इसकी बानगी मिल चुकी है। चाहे कंधार में हो, चाहे नंगरहार में हो, या कुंदूज के अंदर हो, बाल्ख में हो, मज़ार शरीफ में, ये तमाम शहरों के अंदर कब्ज़ा करने के बाद तालिबान ने जिस तरीके के फतवे जारी किए हैं, जिस तरीके की नीतियाँ उनकी सामने आई हैं, वो लगभग वही हैं जो इसके पहले भी रही है। लेकिन फिलहाल बहुत ब्लडशेड यदि होता है तो तालिबान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब 1996 में वो सत्ता में आए थे, तो 2001 या 2 तक जब तक वो सत्ता में रहे, तब तक उनके सामने दिक्कत थी कि केवल 3 मुल्कों ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया था। अब की बार शायद उनकी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान को चलाने के लिए उन्हें एक एक्सेप्टेंस मिल जाए। और जिस तरीके के बयान तालिबान की तरफ से आए, उन्होंने बैंकों को अश्योर किया है, उन्होंने शॉपकीपर्स को अश्योर किया है, उन्होंने आम लोगों को अश्योर किया है, तो वो एक रिकंसिलेटरी मैसेज देने की कोशिश है कि वो आ गए हैं, लेकिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, लोगों को माफ़ किया जाएगा। जो लोग सरकारी सेवा में या सेनाओं में भी काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो एक फसाद देने की कोशिश की है, एक चेहरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये देखना होगा कि ये सत्ता हस्तांतरण कैसे होता है, होने के बाद किस तरीके से वहां पर नियम लागू होते हैं। जी प्रणय, बिल्कुल। कमर आगा सर, अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से आपसे पूछना चाहती हूँ, अब क्या होगा, मतलब भारत की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? अब सिर्फ निगाह रखेंगे या एक्शन भी जरूरी है इस मौके पर? देखिए, भारत ना तो फौज भेजेगा, अभी वो स्थिति का जायजा ले रहा है, और एक बड़ा मुश्किल सवाल भारत के लिए खड़ा हो गया है कि क्या, किस तरीके से वहाँ पे हैंडल किया जाए। उसका काफ़ी वहाँ पे इंटरेस्ट है, हमारा काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, हम कर चुके हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के सामने सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता जो है वो भारत की तरफ देख रही है, अफगानिस्तान की, और भारत ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। मैं समझता हूँ भारत अभी थोड़ा और इसको स्टडी करेगा। दूसरी चीज़ ये, शीरिन, मैं ये कहना चाह रहा था, तालिबान चाहे जिस तरीके से सत्ता में आए या काबुल पे कब्जा करें, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चल पाएगी आगे कुछ दिन भी, गनी जल्दी ही वहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा खबरें भी आ रही हैं और ऐसी वहाँ पे र्यूमर्स भी मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये कुछ भी कर लें तालिबान, वहाँ पे बहुत जल्दी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, इसलिए आम जनता में उनकी सपोर्ट बहुत ही कम है। लोगों ने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और उनके दिल में बैठा हुआ है, वहाँ पे वीपन भी बहुत है, और ये लड़ाई, नई लड़ाई शुरू होगी, इसमें बहुत ज़्यादा दिन चलेगी। वहाँ पे तालिबान वहाँ पे अमन शांति प्रदान नहीं कर सकते, और बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इराक में हुआ था। इराक में अस्थिरता तो पैदा कर ही दी है तालिबान ने, मकसद भी यही था, और इसकी वजह से अफगानिस्तान की जिंदगी, जो वहां के लोगों की जिंदगी है, वो रुकेगी, और एक लंबी लड़ाई, लगातार सभी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ये एक लंबी लड़ाई है। नतीजा क्या होगा अभी किसी को नहीं पता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालिबानियों का कहर, लेकिन इस बीच खबर ये भी आती है कि तालिबान ने अपने लड़ाकों को ये निर्देश दिया है कि वो काबुल की सड़कों पर लड़ाई ना करें, किसी तरह की कोई फाइट ना करें, क्योंकि उनकी कोशिश ये है कि शांतिपूर्वक बात करके कब्जा किया जा सके। एबीपी आनंद, एगिए थाके, एगिए राखी।